स्टार्ट हो गया है। आज हमारी टीम अलवर राजस्थान में आई हुई है। हमारा इधर आने का मकसद यही था कि हमारे सामने जो शख्स खड़े हैं यहाँ पे, गव्यधारा स्वदेशी स्टोर के नाम से इनका स्टोर, अभी आज ही ये इसका उद्घाटन हुआ है। और मुझे, जो कि मेरा नाम विनय कुमार सिंह है, मैं नीतू स्वदेशी स्टोर का संचालक हूँ, कार्यकर्ता हूँ। तो मैं आप लोगों को आज ये इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अवेयरनेस जो है ऑर्गेनिक स्वदेशी स्टोर का, गौ उत्पाद का, जैविक का, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स या बैम्बू प्रोडक्ट्स का, जो भी इतने सारे ये उत्पाद हैं, इन सब चीज़ों को हम ग्रहण करें और ऐसे स्वदेशी स्टोर में लोग इंटरेस्ट दिखाएं, दिलचस्पी दिखाएं, तो हम जैसे लोगों को जो ये जहर खाना पड़ रहा है या इस्तेमाल करना पड़ रहा है अपनी दिनचर्या में, तो हम इन लोगों के संपर्क में आके उन सब चीज़ों को हटा सकते हैं अपने जीवन से। अब ये मनीष जी कुछ अपने स्वदेशी स्टोर के बारे में इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे हम लोग, तो आप लोग ध्यान से ये वीडियो देखिएगा। मनीष जी, आप अपना पूरा नाम बताइए। जी, मेरा नाम मनीष कुमार सोनी है हाँ जी। और अलवर से हम यहाँ रहते हैं, अलवर में। जी तो ये जो आपका स्टोर है, ये आप पहले तो गौ उत्पाद में ही काम कर रहे थे काफ़ी टाइम से, घी देसी गौ माता का बना रहे थे, हवन जी टिकिया सामग्री, हवन धूप और साबुन और इस तरह के तेल और जड़ी बूटी वाली और शैम्पू आयुर्वेदिक। तो जी ये अचानक से आप इन सब चीज़ों में थे बिजी, आपकी दिनचर्या काफ़ी व्यस्त थी, तो आपको ऐसे समय कैसे लगा कि आपको ये शॉप इस तरह से अलवर की आम जनता के लिए खोलनी चाहिए? ये प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे आपके दिमाग में ये सब चीज़ें आई हैं, आप कुछ बताइए। वैसे हम 4 सालों से काम कर रहे हैं देसी गाय के ऊपर, उसके उत्पाद वगैरह बनाने का। लेकिन बाहर हम ऑनलाइन सेल करते थे सब जगह, लेकिन अलवर में हमने शुरू नहीं किया था। तो ये हाल ही में हमने 1 साल पहले अलवर में डोर टू डोर हमने लोगों को देना शुरू किया, समझाना शुरू किया, तो लोगों को अच्छा रेस्पॉन्स आने लगा, कॉल करने लगे लोग और मंगवाने लगे। तो फिर घर घर जा कर के देने में थोड़ा सा क्या दिक्कत आने आ रही थी, तो इसलिए हमने सोचा कि भाई एक स्टोर ही खोल देते, जब इतना अच्छा रेस्पॉन्स हमें मिल रहा है अलवर के यहाँ से, लोग पब्लिक से। तो हमने अलवर में एक स्वदेशी स्टोर डाल दिया ताकि लोगों को अच्छे प्रोडक्ट और बिल्कुल उचित दाम पर हम देते हैं, होलसेल रेट में ही देते हैं, क्योंकि हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो हम होलसेल रेट पर हम लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं स्वदेशी उत्पाद, ऑर्गेनिक नेचुरल और बिल्कुल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अपने ही बनते हैं। अच्छा, तो आप इस स्टोर का आज आपके यहाँ पे ये उद्घाटन हुआ, जी सुबह कितने बजे हुआ ये आपका उद्घाटन? ये 10:30 बजे हमने इसका शुभारंभ किया था, छोटा सा हवन रखा था अच्छा, गायत्री परिवार के द्वारा, ये हवन होता है जो माँ गायत्री से। मंत्र। हाँ जी, तो ये अपना हवन हुआ, उसके बाद हमने ये सारा चीज़ें किए। तो अभी आपको आज का दिन, ये जो आपने ये स्वदेशी स्टोर खोला है, तो जी आगे जाके भविष्य में, अभी या वर्तमान में कुछ आपके दिमाग में होगा कि मुझे ऐसे करना है, वैसे करना है, या इसको और भी अच्छा करना है, जी जी तो वो क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। अभी हमारे कुछ प्रोडक्ट जो थे वो अभी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हैं और कुछ डेली नीड के प्रोडक्ट हैं, और आगे और भी हमारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक दालें, चावल, पोहा, दलिया, आटा, ये सब चीज़ें हम ऑर्गेनिक में लेके आने वाले हैं, ताकि लोगों को बिना केमिकल की, उनको डेली जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं वो सभी उनको बिना केमिकल के मिल सके। देसी खांड है, ऑर्गेनिक गुड़ है, ये सब चीज़ें भी हम लेकर के आने वाले हैं। तो मैंने सुना है कि अलवर में इस तरह की अभी किसी ने शॉप खोली नहीं है, उद्घाटन किया ही नहीं है, तो आगे जाके आपका ये स्वदेशी ऑर्गेनिक स्टोर बन जाएगा पूरा, और हर तरह की आपके यहाँ पे चीज़ें उपलब्ध होगी जो आम जनता बिल्कुल इनको ले बिल्कुल। सकेगी। ये अलवर का पहला स्टोर ऐसा है कि जहाँ पे देसी गाय की गौशाला का प्रोडक्ट है, स्वदेशी प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक है, बिना केमिकल का है, और और उसमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी आ बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल पहला स्टोर है ये अलवर का। अच्छा, बाकी मैं आपके एक एक प्रोडक्ट उत्पाद के बारे जी में इस वीडियो के माध्यम से आम जनता को, जो ये कभी ये वीडियो अगर ये किसी भी सोशल साइट पे जाके देखते हैं, तो उसके माध्यम से मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि इसमें आपके पास क्या क्या उत्पाद जी हैं। जी बिल्कुल। तो ये नमस्कार जी, जय गौ माता। मेरा नाम विनय कुमार सिंह है, मैं नीतू ऑर्गेनिक स्वदेशी स्टोर से हूँ जो नोएडा सेक्टर 22 में है, और हम लोगों ने 4 साल से इस स्टोर को मेंटेन करने के लिए और आम आदमी तक हर चीज़ पहुँचे, एक उचित दाम पे पहुँचे, उनके निजी जीवन में हर चीज़
आसानी से पहुँचे, तो उस चीज़ पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी टीम कैंसर पे भी काम कर रही है, ऑर्गेनिक फल फूड सब्जियों पे भी काम कर रही है, और 90 देसी गाय की गौशाला पे भी मैं घूम चुका हूँ। तो हमारी टीम में क्या है कि हम लोग कोई भी उत्पाद अपने स्टोर पे रखते हैं तो उसको रिसर्च के साथ रखते हैं, और बिल्कुल यही रवैया जो है ये हमारे मनीष जी हैं जो अलवर में जिनका गवधारा स्वदेशी स्टोर है, उन्होंने भी यही अपनाया हुआ है कि लोगों को चीज़ हम दें लेकिन वो कितनी उसकी गुणवत्ता है, कितनी क्वालिटी है, कितनी प्योरिटी है, उसी पे वो ध्यान दे रहे हैं। अब ज़्यादा समय ना लेके हम एक एक उत्पाद के बारे में यहाँ पे इस स्टोर में क्या क्या उन्होंने अभी शुरुआत किया है आज से वो हम आपको बताएंगे। तो जैसा कि अगर आप देखें तो यहाँ पे उन्होंने रखा है हाई करक्यूमिन वाली हल्दी। एक इंसान के अंदर करक्यूमिन एक केमिकल है, वो रहता है, अगर वो है तो हम कैंसर से बच सकते हैं। तो आम आदमी को मैजा मैं यही कहता हूँ कि हल्दी वाला पानी, हल्दी वाला दूध ही हमें कैंसर से बचा सकता है आम आदमी को। और हल्दी वाला दूध कैसे कि हल्दी को डालकर दूध में तब उबालना है, तब जाके उसकी गुणवत्ता पता लगती है, तब जाके वो हल्दी वाला दूध कहलाता है। गर्म दूध में हल्दी डालने का कोई महत्व नहीं है। तो ये गवधारा के स्टोर पे हल्दी वाला हाई करक्यूमिन वाला पूरा 100% ऑर्गेनिक जैविक टर्मरिक पाउडर है, और करक्यूमिन एक केमिकल है, उस केमिकल की वजह से ये हल्दी पीली होती है। अगर वो करक्यूमिन ना हो तो हल्दी पीली ही नहीं हो सकती। और दूसरा अगर हम इनका उत्पाद देखेंगे तो आप देखेंगे उन्होंने धूप बत्ती बनाई हुई है, देसी गाय के गोबर से बनाई है, और ये धूप बत्ती आप अपने घरों में जो केमिकल अगरबत्तियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं तो गवधारा ऐसे जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं गौशाला का धूप बत्ती अगरबत्ती धूप कौन बना रहे हैं उनके संपर्क में आइए। तीसरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है एंटी एक्ने फेशियल पैक। ये आप गर्मी के मौसम में या सर्दी के मौसम में आप अपने गुलाब जल डाल के इस फेस पैक में और आप फेस पैक बनाइए और अपने चेहरे पर लगाइए, क्योंकि आज की जो हमारा ये वातावरण है पूरा दूषित हो चुका है, पोल्यूशन हो चुका है, पोल्यूटेड हो चुका है। तो ये फेस पैक लगाने से हमारे जो स्किन पे डेड सेल्स हैं या एक्ने हैं, पिंपल्स हैं, उन सब चीज़ों से हमें काफ़ी अच्छी तरीके से छुटकारा मिलता है। दूसरा आप अगर इधर देखेंगे तो मुल्तानी मिट्टी का साबुन, जो कि हमारे शरीर को साफ सुथरा रखता है, चमकदार रखता है, खुशबूदार रखता है, और ठंड ये गर्मी के मौसम में इससे शीतलता प्राप्त होती है, मतलब गर्मी थोड़ा कम हो लगती है आपको। और मुल्तानी मिट्टी के साबुन को ही इस्तेमाल करें जो कि वो हर्बल नेचुरल होना चाहिए। अगर आप इसी रैक में अगर आ जाते हैं तो यहाँ पे ये गवधारा का देसी गाय का घी है। पूरे विश्व पूरे ब्रह्मांड में देसी गाय के दूध घी से ज़्यादा ताकतवर कोई भी चीज़ नहीं है। आप भगवान की दी हुई चीज़ पर जाइए, प्रकृति की दी हुई चीज़ पर जाइए, एक इंसान की बनाई हुई चीज़ पर जाने का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आज का इंसान इंसानियत खो बैठा है, लालची हो गया है, पैसे के पीछे भाग रहा है। तो एक इंसान आपका भला नहीं कर सकता, भगवान की दी हुई चीज़ पे जो एक इंसान अपने इस जैसे स्वदेशी स्टोर पे उसने रखा है भगवान की दी हुई चीज़ पे, उस पे आप अमल करिए, आइए। अब ये जो है हमारा दूसरा वाला तीसरा रैक है, इसमें एलोवेरा साबुन इनके पास है, ऐसी ही चारकोल का साबुन भी इनके पास है। इन सब साबुन का रेट 75 ग्राम 32 रुपए का मात्र, हर्बल है और नेचुरल है। ये गुलाब का साबुन है आपका, ये आपका नीम का साबुन हो गया है, तो इधर मुल्तानी मिट्टी का साबुन था। तो 5 विकल्प है आप लोगों के पास, नीम, एलोवेरा, गुलाब, चारकोल और मुल्तानी मिट्टी के साबुन। आप थोड़ा सा इधर आ जाएँ तो ये मनीष जी ने कुछ हैंडक्राफ्ट शॉप लिखा हुआ है, ये मेरे ख्याल से कुछ मनीष जी इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे क्या साबुन है ये भी नेचुरल साबुन है लेकिन थोड़ा सा डिजाइनिंग में है, डिजाइनिंग क्राफ्टेड सोप बोलते हैं, फ्रूट वाला साबुन इसको बोल सकते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा, बाकी हम एक यूनिक सी चीज़ देख रहे हैं जो कि बहुत ही कम है, बहुत ही रेयर केस में हमारे भारत देश में ये उत्पाद देखने को मिलता है। चारकोल से बना टूथब्रश, गेहूँ से बना टूथब्रश और बैम्बू से बना टूथब्रश, ये 3 विकल्प इन्होंने रखे हैं प्लास्टिक के टूथब्रश के जगह पे। जो प्लास्टिक का टूथब्रश है 1838 में आया था, वो आज तक इस धरती माँ पर जिंदा है और वो कभी भी धरती की मतलब ये मिट्टी में कभी घुल मिल नहीं सकता। तो आप प्लास्टिक के टूथब्रश को हटाइए अपने जीवन से और सिर्फ ये जो बैम्बू, चारकोल, गेहूँ के टूथब्रश को अपनाइए। ये 4 महीने एक टूथब्रश मिनिमम कम से कम चलता ही है, और ये नायलोन और प्लास्टिक से बना नहीं है, इसके जो ब्रिसल्स हैं वो बैम्बू फाइबर ब्रिसल्स हैं,
कॉर्न फाइबर ब्रिसल्स। कॉर्न फाइबर ब्रिसल्स मतलब कि मक्का फाइबर ब्रिसल्स है। तो ये इस तरह के टूथपेस्ट पे आई है, और इनके पास ये बैम्बू का टंग क्लीनर भी है, तो आप इसको भी इस्तेमाल करिए अपने जीवन पे। ये नेचुरल चीज़ों पे आइए। और गेहूं का जो टूथब्रश है उसका लुक ऐसा है, ये थोड़ा सॉफ्ट है और हैंडल भी बहुत अच्छा लग रहा है लुक में, मतलब लुक भी है यूनिक, क्वालिटी भी है, ब्रिसल्स भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। अगर आप यहाँ थोड़ा सा ऊपर ये मनीष जी वीडियो को घुमाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे भारत में जो नंबर वन ऑर्गेनिक पेपर फॉइल है, जो वुड पल्प से बनता है, नो नायलोन, नो प्लास्टिक, नो एल्यूमिनियम पेपर फॉइल है, ये 100% ऑर्गेनिक पेपर फॉइल है। ये किंग रैक कंपनी का नाम है, और इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। इनका ऑर्गेनिक पेपर फॉइल जो है वो काफ़ी अच्छा है, वो इसलिए अच्छा है क्योंकि ये मेटल नहीं डालते, बाकी और कंपनियां मेटल डाल के इस पेपर फॉइल को मोटा करने की कोशिश करती हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और जो रोटी सब पराठे पूड़ी आपने पेपर फॉइल में फोल्ड करके लपेटा हुआ है, इस फॉइल के में जब मॉइस्चर आएगा तो वो पेपर से बाहर निकल जाएगा, उस रोटी पे या पराठे पे गीलापन नहीं आएगा। तो ये 100% प्योर है ऑर्गेनिक पेपर फॉइल। एल्युमिनियम पेपर फॉइल से कैंसर हो रहा है, जो बहुत घातक हो रहा है हार्ट के लिए भी, सब के लिए भी। और फर्स्ट टाइम इन इंडिया ये पेपर पाउच भी है, जिसमें आप सूखी गीली सब्जी या सूखी सब्जी आप रख सकते हैं, जो बिल्कुल ही लिक्विड वाली सब्जी है वो आप नहीं रख पाएंगे। लेकिन ट्रैवलिंग में बहुत लोग कहते हैं कि भाई पराठे और पूड़ी और रोटियां तो रख ली, सब्जी कहाँ रखें, तो ये सब्जी का विकल्प है। और जो भी ये पेपर पाउच और फॉइल है ये चिपकाने वाला है, आप चिपका सकते हैं, लेकिन अगर आप पेपर फॉइल को चिपकाएंगे नहीं और ऐसी पेपर में फोल्ड करेंगे रोटी या पराठे, तो 5 दिन तक एक पेपर फॉइल को आप चला सकते हैं। अगर आप चिपका दिए तो फिर आप दोबारा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ नीचे की तरफ यहाँ पे इन्होंने गुल्लक बनवाया हुआ है, गुजरात से इन्होंने संपर्क किया है गौशाला से, उन्होंने काफ़ी अच्छा ये गिर गाय का गुल्लक बनाया है, जिसमें आप अपना पैसे इकट्ठे कर सकते हैं और अपनी इसको रख सकते हैं अपने शॉप में, काफ़ी यूनिक सी चीज़ें हैं। अगर ये नीचे की तरफ जाएँ तो यहाँ मोरिंगा ग्रीन टी है, आपने ग्रीन टी तो बहुत सुने होंगे, लेकिन जैसे कि ये गव्य धारा का ये मोरिंगा ग्रीन टी है, ग्रीन टी आपने बहुत सारा सुना होगा, लेकिन ये ग्रीन टी में मोरिंगा डाला है। ये मोरिंगा काफ़ी एक तरह से फूड सप्लीमेंट है, भगवान की दी हुई, प्रकृति की दी हुई चीज़, तो एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी कैंसरस काम करता है ये सारी चीज़ें। ग्रीन टी लें, अपने जीवन में अपनाएँ और सारी बीमारियों से दूर रहें। विदेशी कंपनियों का कोई भी चाय पिए नहीं, वो 103 बीमारी का कारण है। जो विदेशी कंपनियों का सारा जो आपका चाय है, जो सुबह उठते ही आप लोग चाय पी रहे हैं, उसमें 18 से 20 केमिकल डला है, निकोटीन, टैनिन, कैफीन, इस तरह से ये सारे केमिकल डले हैं। अब जैसे ही आपने चाय पिया तो आपको लगता है आपकी नींद उड़ गई, लेकिन आपके शरीर के अंदर वो 18 केमिकल जाके हड़बड़ी सी मचा दी और आपको लगा आपकी नींद उड़ गई। अब जब चाय पीने की आदत पड़ जाती है विदेशियों की, अंग्रेज़ों की, और एक दिन चाय ना पिए तो सर दर्द होने लगता है, क्योंकि हमारे शरीर को उस 18-20 केमिकल की आदत पड़ गई, इसलिए सर दर्द होता है एक दिन ना मिलने पे। तो नेचुरल चीज़ को अपनाएंगे तो उसका आपको ये है कि कभी मिले ना मिले तो आपको उस पर आपका जीवन निर्भर नहीं है, लेकिन केमिकल पे अगर आप गए तो आपका परिवार और आप सभी सफ़र करेंगे। और दूसरा यहाँ पे मोरिंगा पाउडर भी है, ये फूड सप्लीमेंट की तरह है, आप इसको एक चम्मच रात को सोते वक्त गर्म पानी से ले सकते हैं, और आपके सारे बीमारियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता का और पाचन क्रिया को ठीक करता है, बालों को झड़ने से रोकता है, हड्डियों को मजबूत करता है, इसके तो अनगिनत फायदे हैं। और यहाँ पे उन्होंने ड्रमस्टिक पिकल भी, जो कि मैंने अभी तक बहुत कम ही जगह देखा है, कि सहजन का अचार, अब सहजन की गुणवत्ता तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको अचार के फॉर्म में अगर हम खाएं इस सर्दी के मौसम में, तो हमारा खून रहेगा पतला, और खून अगर पतला रहेगा तो हमें हार्ट अटैक नहीं आएगा, और हार्ट अटैक नहीं आएगा तो हम लोग जीवित रहेंगे। तो इन सब अच्छी चीज़ों को ये मनीष जी अपने स्टोर पर रख रहे हैं, और इन सब चीज़ों को आप लोग इंटरेस्ट दिखाएं। अब जैसा कि अगर हम इधर आए हैं तो इन्होंने एक काफ़ी हर्बल ऑर्गेनिक या हर्बल नेचुरल टूथपेस्ट है इनका, जो कि सोडियम लॉरल सल्फेट और फ्लोराइड फ्री है। ये एक ऐसा केमिकल है, अगर किसी भी इंसान के एक बूंद जीभ पर वो केमिकल गिरा दे तो वहीं कैंसर हो जाएगा, इतना घातक है। ये शेविंग क्रीम, शेविंग जेल, डिटर्जेंट, टिकिया, वॉशिंग पाउडर,
हर जगह जहाँ ये चीज़ केमिकल दोनों डले हैं वहाँ झाग होगा, तो आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करें, अपने जीवन से हटाएं और हर्बल टूथपेस्ट पे आए जो कि उन्होंने रखा हुआ है। ऐसे बहुत सारे विदेश स्वदेशी और ऑर्गेनिक स्टोर भारत में हैं, अपने नज़दीकी कहीं पे संपर्क में हैं और इन चीज़ों को अपनाएं।